हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिविल माफिया। दोस्तों आज क्या है, आज मुझे थोड़ा जल्दी ऑफिस जाना पड़ रहा है, क्योंकि आज क्या है, मेरा एक साइट पे विजिट है जहाँ पे ओवरऑल एस्टिमेट हमको उनको देना है और उनसे कुछ चीज़ें हमें अप्रूव करवा के लेनी है। तो आज इसलिए मुझे जल्दी जाना पड़ रहा है। सुबह के वैसे भी ज़्यादा ऑलमोस्ट 8:30 हो गए हैं, ड्राइवर का वेट कर रहा हूँ, जैसे ड्राइवर आएगा फिर निकलेंगे। चलो आज आपको दिखाएंगे क्या क्या चीज़ें, और उस नए वेयर हाउस का जिस जगह पे हम लोग जाने वाले हैं, आज आपको उधर का व्यू देने वाला हूँ। हाय दोस्तों, दोस्तों जैसा मैंने आपको सुबह बताया था ना कि आज सुबह क्या है, आज मैं एक वेयर हाउस के विजिट के लिए जाने वाला हूँ और वहाँ बहुत सारे इंस्पेक्शन कॉल है। एक्चुअली आज फुल डे मैं उस पर ही बिजी था, बट अभी क्या है, मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है और एकदम आप जो देख सकते हो मेंटल पीस वाला मेरे साथ फीलिंग है। बट अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो आप देख रहे हो, ये जो वेयर हाउस है ना, ये फुल्ली ऑपरेशन है। यानी फुल ऑपरेशन मीन्स क्या, कुछ वेयर हाउस होते हैं जो एक शिफ्ट में ऑपरेट करते हैं, कुछ वेयर हाउस होते हैं दो शिफ्ट में ऑपरेट करते हैं, कुछ वेयर हाउस होते हैं जो हमारे तीन शिफ्ट में ऑपरेट करते हैं। ये क्या, तीनों शिफ्ट में ऑपरेट कर रहा है। और देखिए व्हीकल्स देखिए कितने ज़्यादा हैं। नॉर्मली मैंने आपको जैसे अपने पुराने वीडियोज़ में बताया है कि जो व्हीकल्स है वो हमारे क्या है, डॉक एरिया पे लगते हैं। डॉक एरिया बोलने से जो हमारा डॉक लेवल का पिट होता है ना, सारे व्हीकल्स वहाँ जाके लगते हैं। अब इस जो हमारा पार्क है, इस पार्क में ओवरऑल हमारे चार वेयर हाउस हैं। मैं एक्चुअली नाम भी बता सकता हूँ आपको कि कौन कौन सी कंपनी ऑपरेट करती है। नॉर्मली फ्लिपकार्ट, मीशो और थर्मो ऑफिशियल बोल के हमारे वेंडर्स हैं, यानी टेनेंट हैं, वो ऑपरेट करते हैं। अभी जो मीशो है आप सभी को पता है, वो भी फ्लिपकार्ट एक्वायरी हो गया अभी रिसेंटली, और उसने जो क्या कहते हैं यहाँ पर जो लीज़ आउट पीरियड रखा था ऑलमोस्ट 4 या 5 ईयर्स नॉर्मली ये लोग रखते हैं। बट क्या होता है, इसमें भी जब वेयर हाउस का लीजिंग होता है उसमें भी कॉस्ट और आपका ड्यूरेशन मैटर करता है। वो कैसे मैटर करता है, फॉर एग्जांपल आप समझिए, कुछ जगहों पे क्या होता है, ये लोग बहुत लंबे टाइम के लिए करते हैं, तो क्या है, थोड़ा सा जो हमारा कॉस्ट है वो कम होता है। और कुछ जगहों पे ये लोग क्या करते हैं, बहुत लंबे कॉस्ट यानी बहुत छोटे स्पैन पे करते हैं, तो लॉक इन पीरियड होती है कुछ जगहों पे, तो उससे क्या है कॉस्ट में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। और इस वेयर हाउस में सबसे अच्छा क्या है, जो इसका एंट्रेंस है वो पूरा ग्रैंड एंट्री है, और पूरा पार्किंग है, पूरा इसमें जो लैंडस्केपिंग है ये सारी चीज़ें पहले से डेवलप हो गई हैं। जो अभी हमारा जो दूसरा एक और वेयर हाउस है जो मैं आपको कई बार दिखाया भी हूँ, तो उसमें अभी ये सारी चीज़ चल रही है। और इस पर पार्किंग, यानी जो वेयर हाउस को हम जो टेनेंट को पार्किंग देते हैं, इसके अलावा हम लोगों ने एक अलग से पार्किंग एरिया यहाँ पे बना के रखा है, जिसमें हम लोग पार्किंग इनको एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रहे हैं। जो टेनेंट है वो वहाँ पर भी पार्क कर सकता है, जैसे हमारे कुछ विजिटर्स आए, ये सारी चीज़ भी वो लोग भी पार्क कर सकते हैं। बट अभी मुझे सही में बहुत अच्छा लग रहा है। चलो फिर भी मैं आपको पीछे का पूरा ओवरऑल लुक देता हूँ वेयर हाउस का, कि यहाँ क्या क्या थोड़ा सा कैसा है। तो दोस्तों ये जो है, ये इस वेयर हाउस का एंट्रेंस पोर्शन है, ठीक है। यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड है, आप फ्रंट पर दिख रहे हैं, और क्या कहते हैं, पूरी मार्किंग से ये सारी चीज़ बिल्कुल प्रॉपर, यानी जो इंफ्रा एरिया है ना, इन लोगों ने यहाँ पर प्रॉपर अच्छे से वेल मेंटेन किया हुआ है। दूसरा आप देखोगे इस वेयर हाउस में, खाली यहाँ पर आपको जो रोड दिख रहा है ये हमारा RCC का रोड है, बाकी जो पुराने में मैंने आपको दिखाया था वो हमारा बिटमिन का रोड था। अब ये हमारा आता है फर्स्ट वेयर हाउस हमारे लिए। अभी इसमें देखेंगे आपको केज लैडर, क्योंकि क्या होता है, आप लोग जब वेयर हाउस के टॉप पे जाना चाहोगे तो आपको सिर्फ एक केज लैडर ही हेल्पफुल है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो ये केज लैडर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली ये पूरा कंस्ट्रक्टेड है, यानी ऑपरेशनल भी था, अभी रिसेंटली इसमें से टेनेंट मूव आउट किया है। ये तो फुल, ये पूरा इंटरनल, इसमें भी क्या है, पार्क लेवल पे भी कुछ एरिया को हम लोग फिक्स बैरिकेड कर देते हैं। ओवरऑल ये सिक्योरिटी है, इनका इंटरनल है, वहाँ मैं आपको भी नहीं लेके जाऊँगा। देन अपन चलो आगे, हम मूव आउट करते हैं। इंफ्रा एरिया ये पूरा ओवरऑल बहुत बढ़िया तरीके से डेवलप किया है दोस्तों इन लोगों ने, पूरी प्रॉपर रोड्स पर मार्किंग करी हुई है। देन हमारा लैंडस्केपिंग का सब कुछ बहुत अच्छे से ध्यान रख के इसको वेल मेंटेन किया। इंफ्रा पोर्शन होता है ना जो दोस्तों, उसको हमको प्रॉपर मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि ये क्या है, कॉमन एरिया है। कॉमन एरिया सेंस आप समझिए कि हर वेयर हाउस के जो पर्सन है वो उसे यूटिलाइज करेंगे और यूज़ करेंगे, तो कॉमन एरिया को इसलिए हमें टाइम टू टाइम मेंटेन करना पड़ता है। इसके लिए हर वेयर हाउस पर क्या है, हम लोग एक फैसिलिटी टीम रखते हैं, वो हमारा ही होता है, तो हम लोग उसको क्या है,
उससे रिलेटेड उसके नीचे कुछ सब पर्सन लाइक इलेक्ट्रिशियन हो गया, प्लम्बर हो गया, तो जिससे क्या है किसी भी वेयर हाउस में फॉर एग्जांपल आप समझिए कहीं पे प्लम्बिंग का इशू आ गया, कहीं आपका इलेक्ट्रिकल का कुछ इशू आ गया, कुछ एसी रिलेटेड समथिंग कुछ आ गया, तो हम लोग जो पार्क लेवल पे चीज़ें हैं वहाँ पर ही क्लोज आउट कर सकते हैं। अभी देखिए आप ये वाला पार्किंग ओवरऑल कितना बड़ा है, यानी ये एक्स्ट्रा पार्किंग है जो हम लोगों ने दिया हुआ है, ये पूरा थ्रू आउट पार्किंग है। और दूसरा क्या है, ये जो वेयर हाउस कुछ ऑपरेशनल होते हैं जो इसमें क्या है, जो टेनेंट के जैसे वर्कर्स हैं वो लोग भी अपने बसेस के थ्रू इजीली मूव आउट कर सकते हैं, आ सकते हैं। नॉर्मली क्या है वेयर हाउस, आप सभी को पता है इंडस्ट्री से थोड़ा बाहर होता है, तो जो उनके वर्कर्स हैं उनके लिए थोड़ा ईजी रहता है कि उन्होंने एक पूरी बस करी और पूरे वर्कर्स उनके आ जाएँ एक साथ। तो ये हमारा अनदर टेनेंट है, एक और बॉक्स है वेयर हाउस का, तो ऐसे तो बहुत सारे हैं, ये देखिए थ्रू आउट, यानी जब ये पूरा कंप्लीट हो जाता है ना दोस्तों वेयर हाउस, देन उसके बाद ये बहुत अच्छा लगता है। हाँ पूरा लैंडस्केपिंग सब कुछ एकदम इस तरीके से नीट एंड क्लीन होना चाहिए वेयर हाउस, देन आपको यानी जो आपका सेल होगा या रेंट पे जो भी चीज़ें हैं जल्दी होती हैं। तो दोस्तों ये एक छोटा सा टूर था वेयर हाउस का जहाँ आज मैं आया हुआ था, और इसे बताने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट एक्चुअली क्या है मैं आज खुद बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुका हूँ क्योंकि सुबह से बैक टू बैक मीटिंग्स, और मीटिंग में आपको पता है बोल बोल कर चीज़ें एक्सप्लेन करके समझा कर खुद थक जाते हैं। तो अब आज के वीडियो में इतना ही, अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए बाय बाय, हमेशा खुश रहना और हमेशा चीज़ें करने की कोशिश करना कि वो ही एंड ऑल आपको काम आएंगे, दूसरी चीज़ें आपको काम नहीं आने वाली, हमेशा लर्न करो देन ग्रो करो। ओके बाय बाय।